आपने उस पर खर्च किए, राखी ने उसे 3 लाख दे दिए और वो मान गए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कौन से ग्राउंड्स पे आप बोल रहे हैं कि वो आपके खिलाफ? राखी ने जाके उसको पूरा बैठ के बात किया, ट्रैप किया। ये भी वीडियोस इंस्टाग्राम में है कि जब राखी सावंत जाके ईरानी लड़की से मिली है मैसूर में, बात कर रही है, 3 लाख रुपए दिए एज एन एडवांस और उसको बोले मैं मिनिमम मैं ट्राई करूंगी 50 लाख रुपए एंटूंगी आदिल और आदिल की फैमिली से। ये आपको किसने बताया? बाहर आने के बाद मेरे बहुत खास दोस्त भी ये चीजों में शामिल थे, वो जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है एक्चुअली। ये दो लोगों के बीच की बात है, मैं बोल देता हूँ नहीं, दो लोगों के बीच की बात है। राखी मेरे थोड़े दुश्मन भी है उसमें, और मुझे जेल में मेरे एक दो दुश्मन को जो राखी के दो भाई हैं मैसूर जेल में, वो अंदर भेजती थी मुझे बात करने के लिए, और वो मुझे खुद बोलते थे देखो आदिल ऐसे तो तुम बाहर नहीं आओगी, ऐसे तो तुम्हारे सजा हो जाएगी, तुम एक काम करो, एक 50 लाख की डिमांड है, छोड़ो 50 कहाँ से तुम भी दे सकोगे अंदर बैठे हो, चलो 25 लाख रुपये में क्या मैं बात करूँ? अगर तुम 25 लाख रुपए देने मानते हो तो ईरानी और राखी दोनों खड़के आके कोर्ट में बोलेंगे कि हम चार्जेस हमारे वापस लेना चाहते हैं, आदिल के ऊपर जितने भी हमने चार्जेस लगाए हैं हम वापस लेना चाहते हैं, और बेल ही नहीं तुम्हारे केस भी रद्द हो जाएंगे 25 लाख रुपए। मैंने कहा सर ब्रदर वॉट एवर, 5 महीने से कस्टडी हो गई है मेरी, क्या ही हो जाएगा अभी मेरे साथ, ये बात पहले करते तो एटलीस्ट मैं कुछ जुगाड़ करता और मैं रफा दवा हो जाता, मैं कि जिंदगी में मीडिया के बाहर नहीं आता। एक पॉइंट मैं आपको से बोलना चाहूँगा, एक इंसान को इतना ही डराओ जितना वो डर सकेगा, इतना ही डराओ। बॉम्बे जेल में मुझे डाल दिया था 7 दिन 8 दिन 10 दिन, अगर उसके बाद मुझे बेल होकर मुझे छोड़ देता ना इजीली, सच में बता रहा हूँ मैं जिंदगी में नहीं आता मीडिया के सामने, मैं इतना डर चुका था। उसके बाद मैसूर में डालो, वो करो ये करो, जेल के अंदर बैठ के मेरे को FIR करवाते रहो, फंडे ऐसा आ गया जो होता है देखा जाएगा, 10 साल बैठूंगा तो 10 साल बाहर आके बात ही करूंगा, मैं मेरी लड़ाई खुद से लड़ूंगा।